ये विश्वविद्यालय में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से, एक प्रोफेसर हैं दीपक मंडल जी, वो बच्चों को जातिवाद टिप्पणी करते हैं, पत्रकारिता के छात्रों को जातिवाद करना सिखाते हैं, उनके विरोध में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, जिनका पुलिस द्वारा कार्रवाई करके उनके ऊपर FIR की गई और कल विश्वविद्यालय ने उनको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया। विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि छात्रों को ऊपर जो FIR उसको वापस लिया जाए और निष्कासित छात्रों को वापस विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। भाई साहब, यहाँ पर नियुक्त जो दो प्रोफेसर हैं उन्होंने एक विशेष जाति को लेकर के जातिगत टिप्पणी की थी, उसी के विरोध में कुछ छात्रों ने यहाँ शांतिपुर प्रदर्शन किया था, लेकिन MCU प्रशासन ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करा करके और गैर जिम्मेदाराना FIR करवा करके उन छात्रों को निष्कासित कर दिया। हमारा बस यही मांग को लेकर हम यहाँ पर आए कि उन छात्रों के ऊपर जो FIR हुई है उसको वापस ली जाए और दोषी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम छात्रों के सहयोग में छात्रों के साथ यह आंदोलन को और उग्र करेंगे। यहाँ पे जातिवादी सूचक जातिवादी शब्दों से कुछ बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा था कि आपकी जाति क्या है, इस तरह से उनसे पूछा जाता था। तो उन्होंने प्रदर्शन किया तो उन पर FIR और उनका निष्कासन दोनों विश्वविद्यालय ने किया, जिसके विरोध में हम लोग आए हैं ताकि उनकी FIR वापस हो और निष्कासन भी वापस हो और विश्वविद्यालय उन्हें वापस ले विश्वविद्यालय में, इसको लेके हम आज प्रदर्शन करने आए थे। विश्वविद्यालय में विगत दिनों से यहाँ के जो प्रोफेसर हैं दिलीप मंडल एवं मुकेश कुमार, इन पे छात्रों पे मतलब जातिवाद का आरोप लगाया गया है। ये छात्रों से पहले उनकी जाति पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, इनसे छात्रों को बहुत बुरा लगता है और इनके ट्विटर पे काफ़ी ट्वीट्स भी ऐसे होते हैं, असंवैधानिक होते हैं, जो बाकी भड़काऊ होते हैं, सामाजिक भड़काऊ होते हैं। एवं इसी को मद्देनजर रखते हुए छात्रों ने धरना दिया कुलपति के आसपास, 5वीं मंजिल से ऊपर नीचे उठा के लाए उनको। एवं अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के साथ धरना दिया गया, प्रदर्शन दिया गया, इसके चक्कर में ये छात्रों के साथ जो FIR की गई उनको वापस लें और जाकर जो कुलपति से निवेदन किया गया, जो उनको प्रोफेसर हैं जो मुकेश कुमार और दीपक मंडल, उनको इस्तीफा दें वो लोग, ताकि छात्रों का आनंद ना हो, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में सिर्फ पढ़ाई होती है, बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं, ना कि किसी भेदभाव के लिए। यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, यह बिल्कुल बंद होना चाहिए।